हेलो ऑल। तो आज हम लोग अपने बुक सीरीज में चैप्टर 12 के दूसरे भाग को आज कवर करेंगे, जिसमें हम 18 सेंचुरी के दो और एसेज रिचर्ड स्टील और ओलिवर गोल्डस्मिथ को पढ़ेंगे। तो रिचर्ड स्टील एक आयरिश प्लेराइट, आयरिश राइटर, आयरिश एसेइस्ट और आयरिश पॉलिटिशियन थे जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली। इनका लाइफ स्पैन 1672 से 1729 रहा। एडिसन के ये एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इनके सहकर्मी थे। तो एडिसन और स्टील दोनों मिलकर साथ में काम करते थे और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इनके फ्रेंड की पॉपुलैरिटी, जोसेफ एडिसन की पॉपुलैरिटी के कारण इनकी जो महानता थी, इनकी जो ओरिजिनलिटी थी, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। एज एन एसेइस्ट जो स्टील की जो भूमिका रही, वो सबसे बड़ी भूमिका ये रही कि इन्होंने एसेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक जगह पर लाकर बांधा और सारे जो क्वालिटीज होनी चाहिए एसे की, तो उन सारी चीजों को एक जगह पर संग्रहित करने का इन्होंने काम करा। जैसे मान लीजिए कि एसेज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कोई आदमी किसी खास क्वालिटी को पकड़ा है, किसी आदमी ने किसी मतलब एसे की कुछ किसी और क्वालिटीज को पकड़ा है, तो वो सारी क्वालिटीज एक जगह एसे मिलाने का काम, एक जगह जो है उसको एक सूचनाबद्ध तरीके से, और या फिर एक ये कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से संग्रहित करके उसको एक जगह पर लाने का काम जो है रिचर्ड स्टील ने करा। और ये उस समय की जरूरत भी थी, नीड ऑफ द टाइम, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने उन चीज को एक जगह पे लाकर बिल्ड करा। हिज एम, तो हम जानते हैं कि कॉफी हाउसेस का उस समय दौर चल रहा था। इट इज वेल नोन दैट द ऑफिस कॉफी हाउसेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिकल्स। उसमें कॉफी हाउसेस का जो है काफी चलन था, लोग कॉफी हाउसेस में बैठकर घंटों खेला करते थे, आपस में बातें किया करते थे, पॉलिटिकल और जो है उस समय की जो डिस्कशंस हुआ करती थी, लोग अपना शो ऑफ करते थे, बहुत सारी मोरलिटीज भी थी। तो हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं ये चीजें क्या थी। अब हम ये देख रहे हैं कि कॉफी हाउसेस की जो है भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही इन पीरियोडिकल्स के ग्रोथ में। तो स्टील जो खुद जो थे ये कॉफी हाउसेस अक्सर घूमा करते थे, वो कॉफी हाउसेस को बहुत अच्छे से तरीके से जानते थे और वे जानते थे कि कॉफी हाउसेस में होने वाले डिस्कशंस जो थे, पॉलिटिकल डिस्कशंस, कितने जो है मिसगाइडेड थे, कितने कंफ्यूज्ड थे। तो वहां पर उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, तो उन्होंने ये भूमिका नहीं भाई, वो गाइडेंस देने की भूमिका। ही ऑल्सो रियलाइज दैट मेनी अदर टॉपिक्स वी आर रॉन्गली एंड सुपरफिशियली डिस्कस्ड। तो वहां पर डिस्कस होने वाली बातें जो है बहुत बार मिसगाइडेड होती थी, कंफ्यूज्ड होती थी, गलत तरीके से डिस्कस किया जाता था या बस ऊपरी तौर पे डिस्कस किया जाता था। मतलब वो डिस्कशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग, जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को सुपर बताने के लिए वो लोग ये डिस्कशन किया करते थे। सो ही सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ इनलाइटनिंग एज वेल एज एंटरटेनिंग हिज फेलो टॉकर्स इन दीज सेंटर्स ऑफ सोशल लाइफ। तो उन्होंने ये भूमिका निभाई कि अब से वे लोगों को इंटरटेन भी करेंगे और इनलाइटन भी करेंगे, मतलब फैक्ट्स को इस तरीके से रखेंगे ताकि उनको नॉलेज भी मिले और वो उनको सुनना भी चाहें और जो मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे। फाइनेंशियल रीजंस आल्सो डिटरमाइंड हिज फ्यूचर कैरियर, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीजन भी रहा उनके कैरियर को आगे फ्रेम करने में। इनको पैसे की हमेशा नीड हुआ करती थी और उस कारण से भी उन्होंने काफी कुछ लिखा और पीरियडिकल्स में अपनी हिस्सेदारी ली। सिंस द सेंसरशिप हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेस, जर्नलिज्म हैज बिकम प्रॉफिटेबल एंड स्टील्स चीफ मोटिव इन स्टार्टिंग द टैडलर वाज अनडाउटेडली इकोनॉमिक। तो सेंसरशिप जब रिमूव होता है तो जर्नलिज्म क्या है, एक प्रॉफिटेबल जो है कैरियर बन जाता है। तो बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए भी जर्नलिज्म का यूज किए, पीरियडिकल्स में लिखे। तो हम देखते हैं कि स्टील भी स्टार्टिंग में, जब टैडलर स्टार्ट हुआ 1709 में, तो ये भी जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से ही जो है टैडलर में लिखना शुरू किया या फिर इसको यूज करना शुरू किया। द जनरल पर्पस ऑफ दिस पेपर अकॉर्डिंग टू स्टील इज टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ एंड टू पुल ऑफ द डिसगाइज ऑफ कनिंग वैनिटी एंड अफेक्शन एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन आवर ड्रेस, आवर डिस्कोर्स एंड आवर बिहेवियर। तो वो बोलते हैं इस पेपर जो टैडलर जो आया उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि ये जो फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ है, ये जो दिखावे की दुनिया है, ये जो हम कहीं ना कहीं दिखावे से जो अपने जो मतलब मेरी जो वाइसेस है, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो खामियां हैं, हमारी जो सुपरफिशियलिटी, उसको एक्सपोज कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं हम अपने ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इन सभी चीजों को वो क्या कहता है, एक्सपोज करता है। ये जो फॉल्स क्लेम्स है इनको हटाने की बात करता है, आर्टिफिशियलिटी जो सुपरफिशियलिटी की जो चीजें हैं उनको ये दूर करने की बात करता है। और ये कहते हैं कि हमारे ड्रेस में, हमारे बिहेवियर में, हमारे सोच में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो ये सिंप्लिसिटी पे जोर देते हैं और ये सिंप्लिसिटी का पार्ट पढ़ाते हैं। कमिंग टू हिज नेक्स्ट मेन फीचर, तो हिज इमिनेंस वेराइटी। तो टैटलर जो है वीक में 3 बार पब्लिश होता था, एंड इच इशू कंटेन सेवरल एसेज इन इच ऑफ विच ही ट्राइड अर्नेस्टली टू इंस्ट्रक्ट एंड एम्यूज पीपल ऑफ एवरी टेस्ट। तो टैटलर जो था वीक में 3 बार थ्राइस पब्लिश होता था। हमने देखा कि टैटलर का क्या एम था, टैटलर का एम था कि उस समय की जो डिस्गाइज जो सुपरफिशियलिटी थी उसको एक्सपोज करके एक सिंप्लिसिटी का पार्ट देना, चाहे वो ड्रेस की बात हो, हमारे बिहेवियर की बात हो, बातचीत करने की बात हो, या फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात हो। तो टैटलर हफ्ते में 3 बार पब्लिश होता था और हर इशू में बहुत सारे एसेज पब्लिश होते थे, और हर ऐसे में उसने ट्राई करा कि वो चीजों को इंस्ट्रक्ट करे और लोगों को एम्यूज करे। तो मैंने क्या बोला था कि टू इंटरटेन एंड टू इनलाइटन, तो इंटरटेनमेंट के साथ इनलाइटनमेंट का काम इन्होंने करना चाहा और इन्होंने अपने एसेज का प्रयोग किया उस चीज के लिए। तो उनके एसेज जो है काफी जो है वेराइटी से भरा पड़ता था। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे रीडर्स बहुत सारे वेरिड है, रीडर्स को कुछ मतलब हर रीडर्स का एक अपना चॉइस और अपना एक टेस्ट होता है। तो उन्होंने जितने जैसे मतलब वैरायटी ऑफ टेस्ट हो सकते हैं उतने वैरायटी ऑफ उनके एसेज हुआ करते थे। उनके एसेज जनरली छोटे होते थे, कभी आपको थकाने वाले नहीं, कभी आपको बोर करने वाले नहीं होते थे। वो बहुत ही लाइट लिखा करते थे और काफी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वे में वो लिखा करते थे। वो चाहते थे कि उनके जो उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, और उस कारण से वो छोटे छोटे एसेज लिखा करते थे, ताकि छोटे एसेज हम आराम से पढ़ लेते हैं, हम बोर फील नहीं करते हैं। और मेन मैसेज क्या है कि हम जो है किसी जो भी हम बात अगर रखना चाहते हैं वो लोग उसको पढ़े और इंटरेस्टिंग हो, और कम से कम शब्दों में लिखेंगे तो और बेहतर बात है। तो स्टील बिगैन बाय गिविंग फॉरेन पॉलिटिकल एंड थिएट्रिकल न्यूज एंड फुल्ली एक्सप्रेस्ड मिडिल क्लास डिस्कस्ड एज फ्रिवॉलिटी एंड इमोरैलिटी। तो बहुत बार वो जो है देश दुनिया की जो है खबरें और उनके जो जो मतलब थिएटर में होने वाली न्यूज़ घटनाएं घटती थी, पॉलिटिकल न्यूज़ होते थे, सोशल 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 कन्वेंशंस या थी या जो सोशल सोसाइटी में होने वाली जो चीज़ें थी उन सभी चीज़ों के साथ ये स्टार्ट करते थे। मिडिल क्लास कैसे इमोरालिटी के को लेकर के, दिखावे को लेकर के, शो ऑफ को लेकर के किस तरह से जो है पागल थी, उन चीज़ों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ही क्रिटिसाइज्ड प्रोमिनेंटली सोशल एंड पोलिटिकल पर्सनैलिटी अपरेंटली कन्विंस दैट द ऑफेंडर वुड मेंड इफ सेंसर्ड प्रोपरली। तो वो उस समय के जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े सोशल और पोलिटिकल पर्सनैलिटी से जो स्टार हुआ करते थे उस समय के, उन लोगों को भी ये नहीं छोड़ते थे, और कभी कभी उन लोगों को पे भी अटैक करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और वो इतना ही करते थे कि जरूरत पड़ने पर इसे सुधारा जा सके, इन्हें जो है मतलब समझाया जा सके। ही गेव एक्सप्रेशन टू द पब्लिक डिसलाइक ऑफ गैम्बलिंग एंड अर्ग्यूड इन अ सीरीज ऑफ पेपर दैट ड्यूलिंग वाज सेंसलेस गिल्ट प्रैक्टिस विच वाज सेक्रेटली कंडेम्ड बाय श्रूड मिडिल क्लास दाउ इट वाज अफेक्टेड बाय द फ्रिवलस गैलेंट्स। तो बहुत सारी चीजें जैसे गैम्बलिंग का जो डिसलाइक था उस चीज को इसने एक्सपोज करा, उसको एक्सप्रेशन दिया। फिर हम देखते हैं जैसे कि ड्यूलिंग, जैसे एक ड्यूल का प्रैक्टिस हुआ करता था जहाँ पे दो लोग मिलकर फाइट करते थे और अपने को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते थे, मैनलीनेस और मैस्कुलिनिटी फोर्स को भी जो है कहीं ना कहीं लोग शो ऑफ करते थे। तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक नहीं रखते थे, वो समझते कि ये सी चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ गैलेंट्स जो अपने आप को नोबल मैन कहते हैं, जो अपने आप को मतलब हाई क्लास बोलते थे, वो समझते थे नहीं ये शान की बात है। तो इस चीज को इसने एक्सप्रेस कर और इन चीजों को इसने एक जगह दिया। दे वर ऑल्सो एसेज इन लाइटर वेन कंसिस्टिंग ऑफ कॉफी हाउसेस डिस्कसेस ऑन लिटररी क्वेश्चन एंड टॉक्स ऑन करेंट इवेंट्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द डे। तो हम देखते हैं कि वो लाइटर वेन में मतलब लाइटर मूड में वो कॉफी हाउसेस में और भी डिस्कशन करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिस्कशन जो लिटररी क्वेश्चन थे उस समय के, करेंट इवेंट थे, सोशल लाइफ ऑफ द डे, तो उस समय का किस तरह का दौर था, तो उन दौर को भी उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। द सेंचुरी हैज वेरी वेरी टेस्टेस एंड स्टील ट्राइड हिज बेस्ट टू डील विद दिम।
उस समय जो था सोसाइटी के विभिन्न रंग रूप थे, तो सोसाइटी के विभिन्न रंग रूप को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डील करा, उसको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से उसको मतलब लिखा गया। अफेक्शंस इन ड्रेस एंड मैनर सच एज द यूज ऑफ स्नफ बॉक्स और द लाइट यूज ऑफ केन और फैन वेयर मर्सिलेसली रिडिक्यूल्ड। तो जो दिखावे के जो की जो चीजें थी उस चीज को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अटैक करा है। नाउ कमिंग टू हिज स्टाइल, तो स्टील स्टाइल वाज ईज हैज ईज एंड फ्रीडम ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन। तो ये काफी इजी तरीके से लिखा गया है, काफी जो है कि सिंपल सिंपल तरीके से लिखा गया है, और हम देखते हैं कि एवरीडे लैंग्वेज को यूज करा गया है एंड इंटायरली फ्री फ्रॉम पेडेंट्री ऑफ द लिजेंड ऑफ द लर्नेड। तो ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ने के लिए आपको लर्नेड ही होना पड़ेगा, आप इवन अ कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज उनके स्टाइल में इजीनेस है, सिंप्लिसिटी है, एवरीडे कन्वर्सेशन को यूज किया गया है, और बहुत ही बॉम्बास्टिक लैंग्वेज या फिर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया है। वो हमेशा पोलाइट और हम्बल रहते हैं जब वो इन चीजों को लिखते हैं, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। उनके प्रोज में हम देखते हैं कि एक इजीनेस है, सिंप्लिसिटी है, फ्लो ऑफ अ स्पोकन फ्रेज है, जैसे डे टू डे लाइफ में जो हम चीजें यूज करते हैं वो उस तरह की चीजें हैं, एंड द अर्बनिटी ऑफ अ मिडिल क्लास मैन ऑफ द वर्ल्ड हु हैज रीड इन अ यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं एक जो जो रियल लाइफ में जो कन्वर्सेशन होता है उस चीज को इन्होंने ध्यान रखा, और कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब उस तरीके से इन्होंने चीजों को लिखने का प्रयास करा है। मिडिल क्लास अर्बनिटी मतलब एक अर्बन क्लास में जो मिडिल क्लास, जो कॉफी हाउसेस में जो डिस्कशंस होते थे, जो मिडिल मैन जो आपस में डिस्कस करते थे, जो थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि इनके एसेज काफी डिग्निफाइड हैं, बट कभी भी पॉम्पस नहीं, कभी भी बहुत जो है बहुत दिखावे वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जो है अपने लीक से भटकते नहीं हैं, और बहुत ही इजी वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं। इनके ह्यूमर जो थे वो काफी अच्छे थे, और अपने ह्यूमर से ये अपने रीडर्स का इंटरेस्ट को जो है बनाए रखते हैं। उनके प्रोज जो है हिज प्रोज एडमायरेबली कैरिड आउट वन जनरल रूल। तो उनका एक बड़ा रूल ये था कि द मेन दैट मेन शुड नॉट टॉक टू प्लीज देमसेल्फ बट दोज दैट हियर देम। हम जो बोलते हैं वो खुद को अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि हम जो बोले वो दूसरे को अच्छा लगने के लिए बोले। ये उनका एक बड़ा रूल था, और ये इस रूल को अपने एसेज में भी फॉलो करते थे। नाउ कमिंग टू द लास्ट एसेइस्ट ऑफ 18th सेंचुरी जिसको हम स्टडी करेंगे, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ, एंड ही वॉज एन एंग्लो आयरिश नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइट एंड पोएट। तो आयरिश, एंग्लो आयरिश ये थे। इनका लाइफ स्पैन 1728 टू 1774 रहा। इन्होंने बहुत सारे ग्रेट वर्क लिखे, जिसमें फेमस वर्क है विकार ऑफ वेकफील्ड, डिजर्टेड विलेज, द गुड नेचर्ड मैन, सी अ स्टूप्स टू कॉन्कर। तो ये चारों बुक काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नोबेल जब इनके बारे में जब नोबेल परिप्रेक्ष्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीजों को और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल एज एन एसेइस्ट इनकी क्या क्वालिटीज है उसको हम पढ़ते हैं। जॉनसन्स फ्रेंड एंड एडमायरर गोल्ड स्मिथ हैड ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू एसेइस्ट। तो जॉनसन के फ्रेंड और जॉनसन को एडमायर करते थे ये काफी गोल्ड स्मिथ, और इनके पास एसेइस्ट होने की सारी क्वालिटीज थी। ये जो है वो लास्ट इनहेरिटर हैं जो जिन्होंने एडिसन और स्टील के पास पर चलते हुए ऐसे को एक नया दौर दिया, एक ऐसे को एक नया मैनर को इन्होंने जो है आगे लीड करा। ही हैज द ट्रू ऐसे मैनर, ये एक प्रॉपर एसेइस्ट है। ही स्टैम्प्ड द पीरियोडिकल ऐसे विद द टेंडर ग्रेस ऑफ हिज चार्मिंग पर्सनालिटी एंड इनरिच्ड इट विद द ओरिजिनैलिटी ऑफ हिज माइंड, द डाइवर्सिटी ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज कैपेसिटी फॉर विविड कैरेक्टराइजेशन विच हैज एक्वायर्ड एज ड्रामेटिस्ट एंड नोवेलिस्ट। जैसा मैंने बोला कि वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे, प्ले राइट थे, वो एक नोवेलिस्ट थे, तो उन्होंने इससे को जो पीरियोडिकल था उसको एक नया चार्म दिया। कैसे नया चार्म दिया? उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इसमें ऐड करा, जो उनकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी थी, तो कहीं ना कहीं उसमें उसने ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इससे में एक नया चार्म को प्लेस करा, ओरिजिनलिटी ऑफ माइंड, एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस अपने एसेज में डाला, अपने एक्सपीरियंसेस को
विविड कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर स्केचेस जो उनके पास क्वालिटीज थी वो डेवलप करने की, ये सारी क्वालिटीज उन्होंने अपने एसेज में पुट करा डाला। ही डिड मच टू रिवाइव द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल एसेज विच हैज सफर्ड अ डिक्लाइन आफ्टर एडिसन एंड स्टील। एडिसन एंड स्टील के बाद सोशल एसेज मतलब पीरियोडिकल एसेज जो थे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गए थे, तो फिर से उन्होंने उस चीज को फिर से रिवाइव करा। हिज कैरियर एज एन एसेइस्ट, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एसेइस्ट विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बीज। तो 1759 में इन्होंने द बीज एक पीरियोडिकल है जिसमें इन्होंने कुछ लिखा, लेकिन ये काफी ज्यादा सर्वाइव नहीं करा। बट हिज आर्ट रीच्ड परफेक्शन इन द एसेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक लोजर 1760 to 1761। तो 1760 से 1761 के दौर में द पब्लिक लोजर नाम का एक ऐसे ही जो एक पीरियोडिकल था उसमें इन्होंने ऐसे इसको पब्लिश करा, और बाद में इनकी जो पब्लिश्ड की आर्टिकल्स थी उनका टाइटल रहा द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक काफी फेमस वर्क है इनका, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये टाइटल है जो ऐसे का जो पब्लिश हुआ जर्नल द पब्लिक लोजर में फ्रॉम 1760 to 1761। दिस एसेज आर in the form of series of letters supposed to have been written by a Chinaman during the visit of observation and study to London, the capital of England. तो ये एक series of letters है जो एक Chinaman द्वारा लिखा गया जब वो लंदन आता है स्टडी करने के लिए इंग्लैंड के कैपिटल में। तो वो कैसी कैसी घटनाएं हैं, क्या कुछ होती है, तो उस समय के दौर को ये Chinaman जो है वो इस letters में लिखेगा जो कि एक ऐसे form में है। This plan proved a godsend to Goldsmith for his propagation of his had all the polish and grace which we find in the style of Edison, but it had no trace of artificiality and sophistication which we sometimes find in Edison. तो हम देखते हैं कि क्या क्या qualities है Goldsmith के essays की। तो इसमें वो polish देखने को मिलता है, वो grace देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें एडिसन के द्वारा यूज किया गया आर्टिफिशियलिटी और सोफिस्टिकेशन नहीं है, मतलब इन्होंने और रिफाइन वे में अपने एसेज को लिखा। गोल्डस्मिथ्स प्रोज स्टाइल हैज एन इनकम्पेरेबल ईज, स्पॉन्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंट सिंप्लिसिटी, एंड हिज डिक्शन इज चेस्ट एंड केयरफुली सिलेक्टेड। तो उनका जो प्रोज स्टाइल है वो इनकम्पेरेबल है, वो अतुलनीय है, स्पॉन्टेनिटी है उसमें, ट्रांसपेरेंट सिंप्लिसिटी है, पूरी तरह से सिंप्लिसिटी यूज किया गया है, अपने डिक्शन का जो है बहुत ही क्लियर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से शब्दों का चयन किया गया है। इनके बारे में एक क्रिटिक लिखते हैं, इट इज एज वार्म एज द लैंग्वेज ऑफ स्टील बट इट हैज फ्यूअर लैप्सेस, इट कैन अफेक्ट द ब्लैंक एंड एंटीथेसिस ऑफ जॉनसन बट इट हैज द ट्रेस ऑफ हैवीनेस, इट इज ऑलवेज लाइट एंड रिफ्रेशिंग वर्ल्ड इन द सनशाइन ऑफ ह्यूमर ऑफ टेंडर ग्रेस ऑफ पैथोस, क्लियर एंड कॉन्साइज वेयर आर्गुमेंट आर नेसेसरी, म्यूजिकल हॉन्टिंग एंड द पैसेज ऑफ टेंडरनेस बॉयंट एंड जॉन्ट्री अंडर द इम्पल्स ऑफ ह्यूमर पिकारेस्क्यू एंड विविड डिस्क्रिप्शन, रैसी एंड प्रिसाइज इन डायलॉग, स्टेटली इन फिलोसफिकल एंड मेडिटेटिव मूड। तो हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज यूज किया गया स्टील के द्वारा वो काफी सही है, काफी वार्म है, काफी जो है मतलब अट्रैक्टिव है, आपको पसंद आएगा, आपको सूदिंग फील होगा, और बहुत कम गलतियां इन्होंने करी है। ये एक जो है ये जॉनसन के ब्लैंक और एंटीथेसिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, वो उनसे ही बेहतर है, और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, और ये काफी हैवी है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर यूज किया गया है जिस तरह से लिखी गई है वो काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, ये काफी लाइट और रिफ्रेशिंग है, मतलब ये आपको मतलब काफी रिफ्रेशिंग फील करवाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि देयर इज अ टेंडर ग्रेस, ह्यूमर का इस तरह से प्रयोग किया गया है कि आपको कभी भी इसमें बोर फील नहीं होगा, आपको हमेशा लाइट फील होगा, रिफ्रेशिंग फील होगा। और हम देखते हैं कि इनकी जो आर्गुमेंट्स है वो काफी क्लियर है, काफी कॉन्साइज में कम शब्दों में इन्होंने अच्छी बातें लिख दी है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फिलोसफिकल और मेडिटेटिव मूड डायलॉग्स का एक प्रॉपर यूज किया जाना, अपने चीजों को बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करना, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी अच्छा है, ह्यूमर का प्रॉपर यूज किया गया है, पैथोस को जो दुख भरी चीजों को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आप कभी भी बोर फील नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि
प्रूज ऑफ गोल्डस्मिथ इज अ डायमंड ऑफ मेनी फैसेट्स, तो ये बहुत मायने में एक हीरा है, मतलब काफी क्वालिटीज इनके प्रूज वर्क में हम देखने को मिलता है। एवरीवेयर द मैनर जो है चिज्म इन विद द मूड एंड द मीनिंग इज क्लियरली सीन बिलो द रिफाइंड सर्फेस, तो इनके रिफाइंड सर्फेस में इनके लैंग्वेज के में जो है उनका मूड और द सब्जेक्ट मैटर इज इंटरट्वाइंड, तो ये काफी अच्छी क्वालिटी है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, बाय एंडेवरिंग चार्म ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बाय हिज लाइट एंड ग्रेसफुल प्रोज, बाय हिज वार्म ह्यूमैनिटी एंड फेलो फीलिंग, तो काफी ह्यूमैन है, काफी फेलो फीलिंग रखते हैं, तो अपनी जो चार्म ऑफ पर्सनैलिटी जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये सेम चीजें इनकी एसेज में भी देखने को मिलती है। बाय हिज विविड एंड सिंपैथेटिक कैरेक्टर स्केचेस एंड बाय हिज डेडिकेट जेंटल ह्यूमर प्लेइंग ओवर ऑल, गोल्डस्मिथ डिड मच टू गिव हिज पीरियोडिकल एसे अ न्यू लेजर ऑफ लाइफ, तो अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो फेलो फीलिंग है, कैरेक्टर जो मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करना, डिलाइट और जेंटल ह्यूमर का यूज करना, ये सारे क्वालिटीज इनके एसेज को एक नया लाइफ, एक नया जो है एक नया जुनून देता है, एक नया जो है इसमें एक नया फ्लेवर देता है, और हम देखते हैं कि एसे अब सही हाथों में जा रहा है। सो दिस इज हाउ इट एंड्स 18th सेंचुरी एसेइस्ट। थैंक यू।